प्लीज आइए देख। हाँ जी किसका? हाँ भैया का, भैया मैच नहीं आया। देखो सर, ये अंडर ग्रेजुएशन वाला है और मैं सीधा आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया। वैसे तो ये क्वेश्चन आप रेशो में भी कर सकते हो और डायरेक्ट नंबर्स में भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ जैसे गया, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 132, ठीक है सर। आपसे कह रहा है इफ द फर्स्ट नंबर ठीक है इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर बी वन थर्ड ऑफ फर्स्ट, ठीक है सर। देन द सेकेंड नंबर इज, तो ये क्वेश्चन है। आप चाहे इसे ऐसे ही जैसे लिखा हुआ ऐसे कर दीजिए, चाहे तो आप इसे रेशियो प्रोपोर्शन में बना के भी कर सकते हो। तो आपसे कह रहा है 32, 36, 48 एंड 60, ये नंबर्स जल्दी से आंसर दोगे दे सकते हो। बहुत सिंपल सा है, वैसे ही सोच सकते हो। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर भी वन थर्ड ऑफ फर्स्ट, ठीक है भाई। तो देन द सेकेंड नंबर इज, हाँ जी देखो आप क्या कर सकते थे, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में लिखना था आपसे। आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, जैसे लिखा है ए इज ट्वाइस बी एंड द थर्ड नंबर इज सी इज वन थर्ड ऑफ ए, ठीक है सर। ये मेरे पास हो गया भाई, सी जो है वन थर्ड ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट क्या लिया आपने ए, तो आपके पास क्या आ गया सर, ए इज इक्वल्स टू 3C। यस सर, नो, 3 यहाँ आएगा ना बेटे, ठीक है सर। तो ए इज इक्वल्स टू 2B इज इक्वल्स टू 3C, ये आपके पास आ गया। यस सर नो, ए जो है हमारे पास क्या आया, ए किसके इक्वल है 2B के, और ए किसके इक्वल है 3C के, एक तो ये, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से रेशो निकाल सकते हो, जब हमें दिया होता है ए इज इक्वल्स टू 2B इज इक्वल्स टू 3C, एक तो आप रेशो निकाल सकते हो, लेकिन उससे इजी कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम किसी एक उसमें वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं किसी को भी। ये हमारे पास नंबर्स आ गए फिलहाल, रेशो तो मैंने बता दिया, उस तरह से आप रेशो बना लेंगे, लेकिन आप किसी एक में सपोज कर लीजिए। मतलब जैसा किसी को भी, या तो सारों को ए में सपोज करिए, या सारों को बी में सपोज करिए, या सारों को सी में सपोज करिए, ठीक है। तो जैसा हमारे पास यहाँ आ रहा है कि ए 2B है, ए क्या है 2B, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ए को ले लेते हैं, सी को ही ले लेते हैं, लेकिन फिर हमारे पास क्या आएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू 3C, तो सी आ जाएगा सी, या फिर सी को 3A, चलो जी ऐसे ही ले लेते हैं, यहीं से यही ले लेते हैं। मुझे यहाँ से बताओ बी को क्या लिख सकते हो आप, हमें निकालना क्या है, बी निकाल लेते हैं, तो बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 3C, और ठीक है ए की जगह आप क्या रख सकते हो, ए की जगह से क्या रख सकते हो 2B, तो 2B इज इक्वल्स टू 3C, तो यहाँ से भी लिया हो तो 2/3 बी इज इक्वल्स टू सी। यस सर नो, अब आप ज़रा देखो इधर ध्यान से,
ए को आपने ले लिया 2b, बी को आप लेंगे बी, और सी को आप ले रहे हो 2/3b, तो ये सारे के सारे बी में होगा या नहीं? भाई ए कितना है, बी तो बी है ही, और सी भी कितना आ गया? इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अब आपके पास क्या आ गया, तीनों नंबर्स का सम कितना था? तो मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 130। ए की जगह आप क्या रखोगे सर? ए की जगह आप रखोगे 2b, बी को तो बी रखोगे, सी की जगह आप क्या रखोगे 2/3b इज इक्वल्स टू, ऐसे आप एलसीएम ले लोगे भाई, कि भाई क्या ले लोगे एलसीएम, तो 2b प्लस बी 3b प्लस 2/3b, एलसीएम आप ले लो 3 जा प्लस इज इक्वल्स टू, तो 9 + 2 ये यहाँ चला गया होगा 132 × 3, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, कैलकुलेशन मत किया करो, ठीक है, इजी रखा करो। तो 11 अपॉन में आ जाएगा, तो अगर आप 11 अपॉन में लाओगे, ठीक है सर, तो 11 से ये 12 टाइम होगा, 11 बन जा 11, फिर 22, तो 12 × 3 = 36, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो जैसा अभी मैंने आपसे कहा था, आप अगर इसको ऐसे करते ए इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 3c, ये बस। तो रेशियो अगर हम लेते तो रेशियो आता है आपको लेना, ध्यान से देख लीजिए, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स ही रहेगा, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x/2, और सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x/3। तो एक तो हो गया x, और एक हो गया x/2, और एक हो गया x/3, तो ये आपके पास रेशो आ गया। रेशो कभी भी अपॉन में नहीं होता, तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, देखो इधर 6, इसको 6 से करोगे, इसको भी 6 से करोगे, तो एक्स तो कट ही जाएगा, 2 से कितना आएगा सर 3 से कितना आएगा सर 2, तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया 6:3:2, समझ में आ रहा है। अब अगर आपके पास रेशियो ये आ गया, अब आप कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो, मुझे कौन सा निकालना है, तो सेकंड नंबर कौन है 3, कितने में से है 11 में से, कितने में से, तो कितने में से 132 में से, तो 11 से कितना 12, तो 12 × 3 जा, समझ में आ रहा है। तो आप रेशियो से निकाल सकते हैं, नंबर से निकाल सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए, क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक्चुअली क्या है, आपको ना लैंग्वेज को ध्यान रखना है, ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे पास क्या है, उसने सिर्फ ये लैंग्वेज दिया है, उसने कहा है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 1/3 ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो आपके पास पहली रिलेशन जो है वो ए इज इक्वल्स टू 2b है, और दूसरा रिलेशन जो है सी इज इक्वल्स टू 1/3 a है, तो a की जगह आप क्या रख सकते हो, तो यहाँ रख लीजिए बेटा, तो आप इसकी जगह जब 1/3 की जगह a की जगह 2b रखोगे तो ये हो जाएगा ना बेटा 2/3b। अब इसका मतलब क्या है, a किस में लिखा आपने, b में, और c भी किस में लिखा आपने, b में, और b तो b में है, तो हमने क्या कहा था कि a प्लस b प्लस, तो a की जगह 2b, b की जगह b, और c की जगह 2/3। क्यों कर रहे हैं b में, क्योंकि मुझे b निकालना, ठीक है, तो इसलिए b में कर दिया, अगर c में निकालना तो c में कर देते, a में निकालना, या किसी में भी निकाल लो, फिर वहाँ रख देंगे तो आ जाए, अदरवाइज मैंने आपसे कहा था कि आप रेशो निकाल सकते हो। अगर ये हमें दिया हुआ है तो x हो गया मान लो, तो a इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल्स टू x/2, c इज इक्वल्स टू x/3, तो इसका मतलब अब आपके पास a इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल्स टू x/2, तो तीनों का रेशो ये आएगा। रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो किसी भी नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो उनका एलसीएम होता है उससे निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप लोग जब भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर उसमें एग्ज़ाम में आपके यहाँ जीके करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इस साल में मतलब 2019-20 में आपको जितने भी खुदा ना खास्ता डिजास्टर्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़े जो मीडिया में आए हैं, न्यूज़ बने, उनको याद रखना, कहीं अर्थक्वेक आया, कहीं ब्लास्ट हुआ, कहीं फ्लाइट क्रैश हुई, कहीं गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, कुछ भी इस तरह का हुआ तो वो ज़रूर आपको करना है, ठीक है। अब हमारे देश में तो इतने सारे हो रहे हैं, 370 पे क्वेश्चन आना ही आना है, किसके टाइम में हुआ था, क्या था,
ठीक है, LLB वाले तो स्पेशली ध्यान रखिए, किसके ऊपर बहुत सारे लीगल इश्यूज पे आएगा, तो उसमें देखना है। अभी आपका ये का है, ठीक है, तो सिटीजन, उसके सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप का पहले क्या था, कौन सी उसमें था, अब क्या है, पहले किस गवर्नमेंट में किया गया था, तो ये सारे के सारे। और कौन से, जैसा अभी आपका जो ये है 370 है, तो 370 सिर्फ कश्मीर पे है, लेकिन उसके अलावा भी 371 भी हैं, दूसरे स्टेट्स भी हैं, उन पे क्वेश्चन पूछ सकते। कश्मीर पे तो सब करेंगे, अदर क्वेश्चंस कि भाई दूसरे स्टेट्स भी हैं जिनको स्पेशल स्टेट का वो स्टेटस दिया हुआ है, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, हिमाचल भी है, नागालैंड भी है, नॉर्थ ईस्ट के जो और स्टेट्स हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है कि हाँ ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब आप इस तरह से मार्क करेंगे ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ ये है, आप एक साथ सब कुछ मत पढ़ा कीजिए, अपना एक स्टेटस वो बना लीजिए। जीके करंट अफेयर्स की बात करूँ, आप ये मान लीजिए कि मेरे 10 पॉइंट हैं, ठीक है, 10 पॉइंट कैसे, नेशनल इंटरनेशनल तो पहला हो गया, कि मुझे पॉलिटिक्स पढ़ना है, पहले करंट पढ़ना है फिर हिस्ट्री पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट पे होते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में अभी क्या हो रहा है, कौन कौन सी मेन पार्टीज़ हैं, कौन कौन से उनके मेन लीडर्स हैं, कौन कौन से मेन स्टेट्स हैं, किस किस में गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में इसी तरह से बात करेंगे, तो उस पर, तो अगर मुझे आज सिर्फ वो पढ़ना है, क्या नाम है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो पहले आपको अपना पॉइंट करना पड़ेगा, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, पॉलिटिक्स। रजिस्टर बनाइए अपने हाथ से, मोबाइल आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, 2019 पॉलिटिक अफेयर्स ऑफ इंडिया, ये डाल दीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी, पॉलिटिक अफेयर्स ऑफ इंडिया डालते ही ना, पॉलिटिक्स इवेंट्स जितने भी हुए हैं, जितनी भी न्यूज़ आई हैं, जितने भी वो है, वो सब आपको मिल जाएंगे। अब आप जैसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो फिर स्टेट पे आइए, पहले मेन स्टेट्स कौन से हैं, कौन से स्टेट्स ने 2019 में इन्फ्लुएंस किया है, इन्फ्लुएंस का मतलब सबसे पहले तो कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पे वो मिला है, उसके लीडर्स कौन हैं, उनका सिंबल क्या है, ठीक है, ये नेशनल है या वो स्टेट लेवल पार्टी है, तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन की जब आप बनाओगे ना अपने हाथ से, वो सबसे मेन होगा। जब आप, अब जैसे ही आपने करा कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो मैं स्टेट्स पे बात करूँगा, स्टेट्स करते करते फिर आप सेंट्रल पे पहुँचोगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे, वहाँ कौन कौन से लीडर्स हैं, जिनको कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं, होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फिर उस पर आप बात करोगे, ठीक है। पॉलिटिक्स से निकलो कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है तो स्पोर्ट्स में सिर्फ आज मैं क्रिकेट करूँगा, कल मैं हॉकी करूँगा, परसों मैं बैडमिंटन करूँगा, तरसों मैं टेनिस करूँगा, कौन से गेम्स जो न्यूज़ में है, जो सर कैरम पे करूँगा, मैं कैरम में पूछता ही नहीं, नहीं जी मैं तो कैरम पढ़ूँ, भाई कैरम नहीं पूछना, जो न्यूज़ में, ठीक है, तो वो वाली चीज़। तो जब आप ये चीज़ें वो कर लेंगे ना, कि दो दिन मैं सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ूंगा, कुछ मत पढ़िए, दो दिन सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़िए, नेशनल पढ़ूंगा मैं, दो दिन नेशनल पढ़ूंगा, ठीक है, दो दिन मैं इंटरनेशनल पढ़ूंगा, जब आप वो उसमें अपने हाथ से हेडिंग्स बनाओगे ना, 50 हेडिंग, 20 हेडिंग, 100 हेडिंग, आप यकीन मानिए वो सबसे बेस्ट आपको याद होगा, किताबों से अच्छा, और वो आपको, आप लिख रहे हो उसे, आपके साथ आप नोट्स बना रहे हो। अब आपने अगर उस तरह से 20 टॉपिक बना लिए, टॉपिक्स सब टॉपिक्स, टॉपिक्स स्पोर्ट्स एक कैटेगरी है, अब स्पोर्ट्स में क्या, क्रिकेट, क्रिकेट में क्या, नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे कौन कौन से लीजेंड्स हमारे इंडिया में हुए, कपिल देव, गावस्कर, सचिन, उनके रिकॉर्ड्स, स्टेडियम कौन कौन से बेस्ट हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, ईडन गार्डन अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है, लॉर्ड्स अपने आप में माना जाता है, ठीक है, कोई अगर वर्ल्ड कप हुआ है तो वर्ल्ड कप में आजकल डेट में अलग अलग क्वेश्चन आने लगे, कहाँ हुआ है, रेफरी कौन था, थर्ड एम्पायर कौन था, तो उस डिटेल तक जाना है आपको, कितने रन से जीते थे, उससे पहले कौन, अब वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं, तो जब आप इस माइन्यूट से लेवल पे करोगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो बस मुझे आज क्रिकेट करना है, क्रिकेट की जब आप बात करोगे, क्रिकेट की पिच की लेंथ क्या होती है, ठीक है, क्रिकेट के ग्राउंड की लेंथ क्या होती है, बॉल का वजन क्या होता है, बैट का साइज़ क्या होता है, यहाँ तक पूछता है। क्रिकेट्स के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, गली, स्ट्रेट्स, कवर ड्राइव, लेग ड्राइव, ऑफ, ऑन, लाइक दिस, ठीक है। मुझे याद है कि जब मेरा बीएड का एंट्रेंस हुआ था, तो उसमें आया था बटर स्ट्रोक, ठीक है, बटर स्ट्रोक इज वर्ड रिलेटेड विद द विद दिस विद विच विच गेम, तो वो था कि शायद वो स्विमिंग के साथ आता है, स्विमिंग करते ना, बटर स्ट्रोक, तो वो स्विमिंग में था, तो उस तरह से कि छोटे छोटे से जो टर्म्स हैं अलग अलग गेम से एसोसिएटेड, वो कितने प्लेयर्स किस गेम में होते हैं, तो इस तरह से आप बनाइए, फिर देखिए कितना आसान लगता है आपको। 20 हेडिंग्स एट मोस्ट होंगी, कितने, करंट अफेयर्स जीके में। आप अगर रीजनिंग की बात करूं, आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, 5-6 तो ये पढ़े हुए, स्टडी पॉइंट की वेबसाइट भी, आपके 5 टॉपिक से ज़्यादा रीजनिंग नहीं आएगा, 50 रीजनिंग नहीं करनी है सर, ठीक है, मैं मना कर देता हूँ, अपने टीचर को मना कर देता हूँ, डाइस मत पढ़ाइए,
ठीक है, अदर चीज़ें मत पढ़ाइए, ठीक है। क्या आएगा? ब्लड रिलेशन, क्या आएगा? डायरेक्शन, ठीक है। क्या आएगा? सीरीज़, सीरीज़ कोडिंग डिकोडिंग, सिर्फ ये, ठीक है। इससे पाँच से ज़्यादा, छः से ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं, बस उसमें आप एक्सपर्ट हो जाइए। अब आप डाइस पढ़ रहे हैं, डाइस तो मुझे नहीं समझ में आता, कभी पाँच साल में एक बार क्वेश्चन आ गया मुझे पढ़ना। मैंने भी आपसे कहा ना 170 में 130 करने हैं, तो 40 आप छोड़ सकते हो, कर लो नॉलेज के लिए, बट आपका स्ट्रेस कहाँ पे होना चाहिए? उन छः टॉपिक पे, फिर देखो इजी लगेगा आपको पेपर, ठीक है जी। देखो सर एक क्वेश्चन और देखो, तो अभी से सिस्टमेटिक, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, आप बहुत टाइमली माशाल्लाह प्रिपरेशन कर रहे हो, बट ये होना चाहिए कि 100% श्योर, ये नहीं कि सर हमने अटैम्प्ट ही किया जान, मतलब बस शायद हो जाए, ये भी ध्यान रखना। ये रेस का, गेम का उसूल है सर, अगर आप गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सोच के कि शायद हो जाए, शायद मैं जीत जाऊँ, तो सर ध्यान रखिए आप कभी जीतने नहीं जा रहे हैं। जब आप रेस में इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि मैं ही जीतूंगा, तब उम्मीद है कि आप जीत जाएं, ठीक है। तो शायद वाली तो कहानी नहीं है कुछ, कहा ना सर डीयू में बैठ के हमने क्या कहा भाई, सर सेलेक्ट कर लो, तो ये आपके उसमें होना चाहिए कि सर कर लो बस सेलेक्ट, हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा, ये वाला होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये भी इसी पे बेस था, कहाँ गया एक्चुअली। एक क्या होता है, मैंने शायद बताया या नहीं बताया, एक होता है डायरेक्ट रेशो, ये बताया था क्या? ठीक है सर, एक होता है इनवर्स रेशो। डायरेक्ट रेशो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, और उस पर कोई और चीज़ भी है दूसरी, मतलब चलिए क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू की बात करूँ, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट रेशो। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। आप कह रहे हो नहीं सर अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, क्या मतलब? दोनों का मतलब समझ लीजिए, सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे पेन खरीदने हैं और उसकी कॉस्ट, अगर पाँच पेन 50 रुपये के हैं तो 10 पेन बताओ कितने के होंगे? तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपने नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर दिए तो कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी। भाई पाँच पेन अगर 50 रुपये के हैं तो 10 पेन ज़्यादा के होंगे, कितने के होंगे अभी वो नहीं बता रहा मैं कह रहा हूँ ज़्यादा के होंगे, मीन्स अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो ये भी, तो इसे आप रेशो में लिख सकते हो, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो सेम होना है। तो रेशो का मतलब क्या है? अपॉन में, तो इसका मतलब 5/10 और 50/x सेम, एरो का डायग्राम, कम से ज़्यादा वाला रेशो लिखना है, 5/5:10 सेम होगा 50:x, दोनों का रेशो सेम रहना है। अब इसका मतलब क्या है सर, 5 से कितना 2, 2 यहाँ जाएगा x यहाँ आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 100, यस और नो? तो आपने एक इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज, ये आप हर जगह लगा सकते हो, वर्क एंड टाइम पे, कॉस्ट पे, जहाँ भी आपको समझ में आए। दूसरा मैं कह रहा हूँ नहीं, इनवर्स रेशो होता है, मान लीजिए एक स्पीड है और एक टाइम है, ठीक है सर, आप अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और आप 2 आवर्स में जाते हैं, कितने आवर्स में? आपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी, ठीक है सर, कितने की? 100 की। तो अब आपके पास क्या होगा, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? जल्द समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा रेशो है? इनवर्स रेशो। भैया 50 की ज़्यादा है तो 2 घंटे लग रहे थे, आपने स्पीड डबल कर दी तो टाइम हाफ हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब आप क्या करोगे, अगेन 50/100 x/2, तो 50 से 2, ठीक है, 2 इधर आएगा, 2/2 1, 2/2 ये यहाँ आएगा ना, ये काट दो, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू, अब आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। भाई 50 की स्पीड से आप 2 घंटे में 100 किलोमीटर गए होंगे, 50 × 2 = 100, आप 100 की स्पीड से 1 ही घंटे में 100 पहुँच जाओगे, बस में आ गई। तो क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो आपसे क्या कह रहा है, इट टेक्स, ठीक है सर, 8 पीपल वर्किंग, ठीक है सर, ऑन ए वर्क, फिनिश इट इन 96 डेज, कितने डेज?
कितने आदमी काम कर रहे हैं? 8 पीपल. ठीक है सर, फिनिश इन 96 डेज. आपसे क्या कह रहा है, 6 men will finish it in how many days? In how many days? इतना छोटा सा क्वेश्चन. क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है भाई. इट टेक्स 8 पीपल वर्किंग ऑन ए वर्क, फिनिश इट इन 96. 6 men विल फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज? प्लीज ध्यान से देखो, ये मैन है और ये डेज है ना भाई. 8 men फिनिश इन, तो 6 men इन हाउ मेनी डेज? अब आप बताओ, कोई काम को 8 आदमी काम कर रहे थे तब 96 डेज लग रहे थे, आपने आदमी कर दिए कम, ज्यादा लगेंगे भाई. अगर 2 आदमी करेंगे तो और ज्यादा लगे, 1 आदमी करेगा और ज्यादा दिन में होगा. तो आपने क्या किया है, कम से ज्यादा एरो लगाना, तो ये ज्यादा होगा. यस और नो? आपने पीपल जो है कम कर दिए, वर्कफोर्स आपने कम कर दी, तो ये इनडायरेक्ट रेशियो है पहली बात तो, और आपको कम से ज्यादा वाला एरो लगाना है. तो क्या करना है आपको, 6 by, ठीक है भाई, 96 by x. ठीक है, तो इसे यहां ले आइए, तो x इज इक्वल टू 96 into 8/6. ठीक है सर, 6 से आई थिंक ये कट ही जाएगा, सीधा 6 बन जा और 6 जा, 36. यस सर नो? तो 16 8 है जी, 120. दैट्स इट. समझ में आ रहा है? इतना सा इजी क्वेश्चन था ये. चलो जी देखो, और देखो सेम क्वेश्चन दूसरे पेपर में. मैं वही कहा ना, क्वेश्चंस वहीं घूमते हैं, टॉपिक वहीं घूमता रहता है, उससे ज़्यादा नहीं एग्जामिनर करता है. एग्जामिनर को एग्जाम लेना है, कोई आपकी जान थोड़ा ही लेनी है कि वो बहुत ज़्यादा टफ उसको करेगा. बताओ जल्दी से, देखूँ कौन कितनी जल्दी बताएगा. आपसे क्या कह रहे बेटा जी, 2 men, ठीक है सर, फिनिश इन 8 days. How many men needed to finish it in half day? 4. ठीक है जी, आधे दिन में फिनिश करना है तो कितने आदमी चाहिए? सर 8 आ रहा. मुझे क्या पता, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये. 16. पता नहीं भाई आप लोग क्या करते हो. मैन डेज, अरे जब दिमाग नहीं तो मत लगाया करो, कम से कम प्रोसीजर तो लगाया करो. जो कॉन्सेप्ट बताया वही लगा दो, दिमाग नहीं है मान लिया तो प्रोसीजर तो लगाओ. है जी भाई, देख लेते हैं सर. अभी 2 आदमी हैं, ठीक है सर, 8 दिन में कर रहे हैं, कितने आदमी इसे आधा दिन में करेंगे? माशाल्लाह, मतलब 2 को तो 8 दिन लग रहे हैं, 1 आदमी अकेला आधा दिन में चिराग घिसेगा अलाउद्दीन का, और वो कहना हो गया. कोई तो बात अच्छी करिए ना, प्लीज मुझे बता. इधर देखिए, मैं आपसे क्या कहा, हमारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है. इधर देखिए, इधर शर्मा ये मत, इधर देखें. मैन हमारे कम हुए ज़्यादा हुए मैं नहीं पता, भी मुझे बताओ, 8 दिन थे, दिन कम हो गए, कम से ज़्यादा एरो लगेगा. ठीक है सर, 2 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, कितने आदमी आधे दिन में करेंगे? तो आदमी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो कम से ज़्यादा. यस सर नो? तो बताओ ना क्या होगा, 2 by x, 1/2/8. यस सर नो? तो 2 यहाँ आएगा ना सर जी, तो क्या हो जाएगा सर, 1/16, तो 16 2 जा, कोई तो अच्छी बात बताया करो सर. 2 आदमी तो 8 दिन में कर रहे थे, 1 आदमी आधा दिन में कर देगा, इतनी अच्छी बात मत करो. नहीं बस समझ में आई,
नहीं है, इसमें छोटी बात आ गया, सुनिए ये 1/2 है ना बेटे, 1/2 को अपॉन में लाएंगे, 1/2 अपॉन 8, तो अपॉन 8 नहीं होता, 8/1 होता है, क्या होता है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा बेटे, ये यहाँ होगा, क्या हो जाएगा 1/16 है ना, फिर 16 को आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और x को यहाँ 1 से करोगे, तो x इज इक्वल्स टू 32, ठीक है सर, ये डायरेक्ट रेशियो से करा रहा हूँ मैं, एक्चुअली होता क्या है, इधर देखो समझो, चलो एक टॉपिक यहाँ पे आपका वैसे भी, होता क्या है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, क्या है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम का मतलब ये होता है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल या टोटल जो टाइम है किसी भी काम को करने का वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अब आदमी 10 लगाओ या 50 लगाओ या 2 लगाओ, टाइम या कॉस्ट उतनी रहेगी, मतलब ये रूम है, इस रूम की 4 वॉल्स हैं, क्या हैं 4 वॉल्स, और जो हम वर्क लेते हैं, वर्क फोर्स जो हम कंसिडर करते हैं, भाई ये 2 मैन है या वो 32 मैन है, हम ये मान के चलते हैं इन सब की जो कैपेसिटी है, जो काम करने का ताकत है, वो सबकी सेम है, क्या है जनरल सेम, आपने 4 आदमी लगाए तो चारों इक्वल कैपेसिटी के हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कहेगा कि एक आदमी दूसरे से इतने टाइम फास्ट है, इतने टाइम एफिशिएंट है, तो वो अलग चीज़ है कि ये ज़्यादा काम करता है ये, लेकिन इन जनरल ऑल आर इक्वल। अब मैं ये कहने लगूँ कि एक आदमी इस कमरे को 4 दिन में करता है, वाइट वॉश करानी है, पेंट कराना है, एक आदमी कितने दिन में, इसका मतलब ये है, या ये कह दूँ कि एक दिन में एक वॉल करेगा, एक दिन में, और वॉल का साइज सेम है, तो दूसरे दिन में दूसरी करेगा, तीसरे दिन में तीसरी करेगा, चौथे दिन में, तो एक आदमी को कितने दिन लग रहे हैं, हमने आदमी 2 लगा दिए, 2 दिन में कर देंगे, हमने आदमी 4 लगा दिए, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटे कि मुझे उस आदमी की मान लो मजदूरी देनी थी, तो एक आदमी को मुझे कितने दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी, 4 दिन, द टोटल कॉस्ट, 2 आदमी लगाए लेकिन उन्होंने 2 दिन में कर दिया, तो भी मुझे कितने दिन की कॉस्ट देनी पड़ी, 4 नहीं समझ मेरी बात, भाई मुझे एक आदमी मजदूर जो है मान लो 500 रुपये लेता था, तो मैंने 2000 रुपये दिए उस अकेले को, ठीक है, अब मैंने लगा दिए 2, तो मैं एक दिन में कितने दे रहा हूँ, 1000 रुपये, तो 2 दिन में कितने दूंगा, 2000, मैंने 4 लगा दिए, लेकिन कॉस्ट तो अभी भी मेरी क्या है, वही 4 को 500 रुपये के हिसाब से कितना दूंगा, 2000 रुपये, तो या तो आप समझिए वर्क, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है सर, 4 ही दिन लगने हैं, एक आदमी के 4 दिन लगे, 2 आदमी के 2-2 दिन लग के 4 दिन लगे, या 4 आदमी के 1 दिन लग के 4 दिन लगे, लग कितने रहे, 4। एक तरीका ये कि किसी भी काम को फिनिश करने में उतने ही दिन लगने, तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा सेम होता है, मतलब अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि एक आदमी किसी काम को 100 दिन में करता है, तो 2 आदमी 50 दिन में करेंगे, कितने दिन में, 10 आदमी 10 दिन में करेंगे, ठीक है, 100 आदमी 1 दिन में कर देंगे। अब जो ये क्वेश्चन था, जब हम वर्क एंड टाइम करेंगे तब इसको देखो कितना इजी करेंगे, आपसे कह रहा था 2 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, 2 आदमी, तो कितने आदमी हाफ डे में करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या रहना है, इक्वल रहना, 16 दिन लगने हैं, अगर एक ही दिन में कराना है तो 16 आदमी, भाई 2 आदमी कितने दिन में, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, 16, तो एक आदमी को कितने दिन लगेंगे, 16, लेकिन वो एक दिन भी नहीं चाह रहा, वो चाह रहा आधे दिन में, तो 32, नहीं समझे, जो प्रोडक्ट होगा बेटे वो सेम रहेगा, क्या रहेगा, 2 × 8 का प्रोडक्ट और x × 1/2 का प्रोडक्ट सेम रहना है, तो एक दिन में 16, तो हाफ डे में उसका भी डबल, आप कहने लगे 1/4 डे में करना है, तो 64 कर दो सर, कितना कर दो, 64, बट प्रोडक्ट रिमेन सेम, यहाँ प्रोडक्ट कह लीजिए, वहाँ मैंने रेशो कहा था, अच्छा जी, देखो क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग होते हैं, मुझे इस वजह से बहुत गुस्सा आता है कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ पे, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के ऊपर मेरिट कितनी ऊपर नीचे जाती है आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर, सिर्फ ऐसे ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ ए नंबर, ठीक है सर, कैन नॉट एंड, ठीक है सर, विद
थोड़ा सा भी अगर आप बच्चों ने पढ़ा होगा अभी मैथ्स, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कोई मैथ्स नहीं है ये, मैं इसलिए कहता हूँ मैथ्स नहीं आता इन एग्जाम्स में, दैट इज जनरल लाइफ कैलकुलेशंस, डेली लाइफ कैलकुलेशन, ठीक है। ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट एंड विद, जो आपका स्क्वायर है, अगर आपने थोड़ा सा भी स्क्वायर क्यूब रूट एट में पढ़ा हो, वन का स्क्वायर बेटे वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, एंड लिख रहा हूँ मैं, फाइव का स्क्वायर 25 होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, सेवन का स्क्वायर 49 होता है, एट का स्क्वायर 64 होता है, नाइन का स्क्वायर 81 होता है, टेन का स्क्वायर 100 होता है। तो आपका जो नंबर्स एंड होते हैं वो एंड होते हैं ज़ीरो से, वो एंड होते हैं वन से, वो एंड होते हैं फोर से, वो एंड होते हैं फाइव से, सिक्स से, नाइन से, बस, ठीक है सर। तो आपके एंड में सिर्फ यही आना है, ठीक है, जीरो वन फोर फाइव सिक्स एंड नाइन, किसी के भी एंड में कभी भी टू नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, सेवन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, किसी का भी स्क्वायर आप ले लें उसके एंड में ये हो ही नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन में जरा मुझे बताना कौन नहीं हो सकता, अब मैं किसको निशान लगाऊं, ये पेपर है। अब अगर किसी बच्चे के एक ही मार्क्स से गड़बड़ हो रही है तो गया ना, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये है, और उसे वो भी नहीं देते कि भाई हमने मार्क्स दे दिए। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं अगर वो पेपर रॉन्ग होता है तो जिसने अटैम्प्ट किया है, ध्यान रखना रॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको टिक करना है नियरेस्ट वाले, मतलब दो हैं तो दो में से किसी एक को टिक करके आना है तो उसे मार्क्स मिलेंगे, जिसने अटैम्प्ट नहीं किया होगा उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो कुछ एग्जाम्स में होते हैं तो मेंशन कर देते हैं कि हाँ हम इस पर एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे या इस क्वेश्चन को हटा के बाकी में से हम कैलकुलेट करेंगे, तो तब तो सही है, अगर सबके लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जिसने अटैम्प्ट किया उसको मार्क्स देंगे, तो दोनों ही केसेस में आपका मार्क्स आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब कौन इसको चैलेंज करे, ठीक है जी, अब YouTube पे यूनिवर्सिटी की बुराई करूँगा मैं, यूनिवर्सिटी वाले कितने खुश होंगे मेरे से, बच्चों को भड़काता है, अरे तुम्हें सार हो ना बस, ठीक है। देखो ये हम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन आप फिलहाल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ करना नहीं होता इस तरह के क्वेश्चंस में, ये मास्टर्स का है। ये देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है कि भाई रेशो ऑफ रेडियाई, ठीक है सर, रेडियस की जब हम बात करते हैं, ऑफ टू सिलेंडर्स, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आर 4:7, ठीक है, रेशो ऑफ हाइट्स आर 2:1, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। अगर आपने वही मैंने आपसे कहा एट्थ में पढ़ाओ, नाइन्थ में पढ़ाओ, टेंथ में पढ़ाओ, सिलेंडर्स पढ़े हो, ठीक है सर, उसमें एक रेडियस होता था, उसमें एक हाइट होता था, उसका वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच, ये होता था ना, तो आपसे कह रहा है कि रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इसका मतलब पहले वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन, ये सर, दूसरे वाले का हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर एच टू, है ना भाई, वॉल्यूम का रेशो, ये तो कट ही गया होगा। अब आपके पास दिया हुआ है रेशो ऑफ रेडियाई कितना है सर, अगर आप यहाँ बगैर कांस्टेंट के लिख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो हमने सीखा है ये 4x हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर, है ना भाई, तो ये वाली जो है वो 7 हो जाएगा, तो 7x का स्क्वायर, h कितना सर, अब x नहीं मानना है, इसको मान लिया 2y और इसको मान लिया 1y, यही तो क्या होगा आपने, इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट, कुछ और नहीं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था और ये रेशो का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा अगर आप यहाँ ये भी ना रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 4 का स्क्वायर 16 टू जा 7 का स्क्वायर इज टू 1, ये आंसर है। तो 32 इज टू 49। देखो एक क्वेश्चन और सेम इसी पे ही, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग मुझे बताना। आपसे कह रहा है प्लीज इधर, उल्टा क्वेश्चन कर रहा है, सेम क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप मुझे आंसर देना। रेशो इसी पेपर में दो क्वेश्चन हो गए इस पे बेस, बिटवीन हाइट, ठीक है सर, 3:5 एंड रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है सर, 27:80 रेशो ऑफ रेडियाई बताइए, बताओ जरा सब बच्चे, 1:2, 2:3, 4:5, 3:4, बताओ जल्दी से सारे बच्चे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। रेशो बिटवीन हाइट्स, सिलेंडर की ही बात कर रहा है, हाइट का रेशो, वॉल्यूम का रेशो, रेडियस का रेशो निकालना है इस बार। जी क्या करना है बेटे, प्लीज इधर फिर देख लो, इस बार आपसे कह रहा है रेशो ऑफ वॉल्यूम, रेशो ऑफ, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम आपका हो गया 27:80, कितना हो गया, ठीक है, पाई आर वन स्क्वायर, रेडियस पता नहीं है आपको, एच वन कितना, पाई आर टू स्क्वायर, नहीं पता आर टू आपको है ना, रेडियस नहीं पता, एच टू तो पाई से, 3 से 5 से 16, तो क्या आया आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर 9/, तो आपको इनका अंडर रूट लेना है, क्या लेना है, तो क्या आ जाएगा R1/R2, ठीक है सर, ये क्वेश्चन था 47, लेकिन कितने मजे का पेपर है 53, यही क्वेश्चन है 47 भी यही है 53 भी यही, दोनों क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम, ऑप्शन भी सेम है, एमबीए का है 2019 एमबीए, चलो मसला तो वही ना, चेकिंग होती नहीं, क्रॉस चेकिंग, बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं पेपर, प्रोफेसर बनाते नहीं हैं, असिस्टेंट को दे देते, असिस्टेंट बनाते नहीं हैं, स्टूडेंट को दे देते हैं, जामिया वाले मुकदमा कर देंगे, अच्छा स्टूडेंट ने बनाया था पेपर, अरे हार्ड तो मजे का पेपर होता है, अभी तो बताया तुम्हें, एक बार जामिया डिप्लोमा का पेपर बीटेक का पेपर आ गया, जब हमारे पिछले वाले वीसी साहब आए तो उन्होंने उठा के टीसीएस को दे दिया पेपर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी का, उन्हें नालायकों को ये नहीं पता कि 10th का सिलेबस क्या होता है डिप्लोमा का, उन्होंने पूरा बीटेक का पेपर बना दिया, 170 क्वेश्चन होते हैं उसमें, आप बता सकते हो मुझे कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था, 4 क्वेश्चन जिसने सही किए थे उसका सिलेक्शन हो गया था, 170 में से, बता तो रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे क्या कहा, आपको सिर्फ उतने करने हैं जितने दूसरे ने ना किए हो, तो एक क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चों ने मुश्किल से, जो हमारे यहाँ के टॉपर्स थे उनकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने बच्चों ने 30-35 क्वेश्चन सही करे, कितने मुश्किल से करा गए, और जब 170 में से 30-35 हों तो उसका कॉन्फिडेंस था, आप बताइए, उसने फिर सब पे टिक कर दिया,
कहना देख ही जाएगी, सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा, देख ही जाएगी। अब 35 सही और 135 गलत, उसके मार्क्स जीरो, और जिसने चार भी सही करे ना उसका सिलेक्शन होगा। तो एंट्रेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना टफ से टफ आ जाए।